आज कोलकाता के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में एक हुडेक फेयर चलाया जा रहा है 2022 का, और यहाँ पर जो कचरे से, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हम लोग को घरों में कचरे यूज हो रहे हैं, उसको उसी से बहुत सारे सामान भी तैयार किए जाएंगे, और ऑर्गेनिक सामान जो तैयार किए जाएंगे उस इस फेयर में लोगों को दर्शाया गया है, दिखाया भी जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो प्लांटेशन यहाँ पर होगा वो बिना मिट्टी के होगा, और किस प्रकार से हम लोग कचरे को कचरे से किस प्रकार के और सामान वस्तु नए नए प्रकार के डिजाइन के हम लोग तैयार करेंगे उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इसी को लेकर एक सेमिनार भी चलाया जा रहा है जिसमें लोग आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए हम सरासरी यहाँ के हम लोग सीईओ से ही बात करते हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं और क्या क्या आप लोग का यहाँ पर आज रखा गया है। हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट दो चीज़ की रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी पुराने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वस्तु अभी घर के टी वी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन सारी चीज़ें राइट। सिमिलरली आपके पुराने लैपटॉप सारी चीज़ें, और प्लास्टिक वेस्ट सब जानते हैं क्या प्लास्टिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक वेस्ट लेकर हम रिजर्वेशन चलाते हैं। बिल्कुल कोशिश यही है कि साल में से दो तीन फेयर हम करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग इसके बारे में जानें और लोग और जागरूक हों और एक्साइटिंग हों। पहले तो आप पृथ्वी को लाभ मिलेगा, तो पृथ्वी को लाभ मिलेगा तो लोगों को लाभ अपने आप मिलेगा। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो लोग कहाँ से रहेंगे। सबसे बड़ा लाभ पृथ्वी को मिल रहा है रिसाइकिलिंग से, और लोगों को बड़ा लाभ है क्योंकि हमारे देश में जो रिसाइकिलिंग होती है वो सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकली वायबल है, मतलब उसके लिए कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप रिसाइकलिंग प्रोडक्ट करते हैं, वेस्ट को यूज़ करते हैं, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम अगर हो जाती है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं, अफोर्डेबल हो जाते हैं। तो न सिर्फ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है बल्कि आप अच्छे प्रोडक्ट को अगर अफोर्डेबल प्राइस में अगर ऑर्डनरी लोगों को ऑफर करना चाहते हैं तो रिसाइकिल भी एक तरीका है कॉस्ट कम करने का।